हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है मैन होल ब्रिक वर्क कैलकुलेशन इन वॉल। ये जो हमारा सीवरेज का मैन होल है, इसकी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, ये आज मैं आपको इस वीडियो बताऊँगा। अब यहाँ पे एक मैंने स्केच बना रखा है मैन होल का, जिसकी हाइट 2.1 मीटर है, जिसका इंटरनल डाया अंदर से अंदर जो टॉप वाला है वो है 0.7, जो बॉटम का है वो है 1.5 मीटर। ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए ये स्केच बनाया है, ठीक है। और अगर आप इसको मैन होल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ऊपर का है, मैंने 1.1 जो इंटरनल डाया है वो मैंने 1.1 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। जो मेरा D2 है यानी कि आउटर से आउटर डाया, वो मैंने 1.56 मीटर लिखा हुआ है। अब 1.1, 1.56 ये कैसे आया, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसकी एवरेज निकाल ली है, ये जो टेपर दिख रहा है, ये टेपर मैंने टेपर को काट के मैंने बिल्कुल सीधा ले लिया। कैसे लिया, यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ठीक है। ए कितनी लिया मैंने, ए है मेरी ये, मैंने इसको ए माना ऊपर वाले को 700, प्लस बी नीचे वाले को मैंने 1.5 माना है, ठीक है, डिवाइड बाई टू। जब इसको आप करोगे तो आपका 1.1 मीटर आ जाएगा। ये मेरा 1.1 क्या आया, पहले देखिए, पहले जो मेरा मेन होल था वो मेरा कुछ इस तरह के था टेपर में, ठीक है। जो अभी ये जो मेरा 1.1 है, अभी मेरा मैन होल बन गया, कैसे, अभी मेरा ये बिल्कुल सीधा बन गया। अभी इसमें ये टेपर चीज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सीधा बन गया। ये 1.1 है, ऊपर भी 1.1 आ गया मेरा, अंदर अंदर नीचे भी 1.1 आ गया, ठीक है। ये दोनों मेरा भी पूरा सेम है, अगर बीच में भी नापोगे नापोगे तब भी आपको 1.1 मिलेगा, ठीक है। तो 1.1 ये मेरा इंटरनल डाया, तो अगर ये आउटर डाया लेना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे देखिए, ये मेरा 1.1 हो गया, ठीक है। अगर ये मैं आउटर डाया कितना है मेरा ब्रिक वर्क का, 230 के इधर, 230 के इधर, यानी कि प्लस 230 इधर इस साइड हो जाएगा, प्लस 230 इस साइड हो जाएगा, यानी कि इस साइड इस साइड। अब तीनों को जोड़ दोगे तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, 1.1 प्लस 0.23 प्लस 0.23, 1.56, ठीक है, 1.56 मीटर बन गया। यानी कि ये आउटर से लेके आउटर तक, यानी कि ये वाला, ठीक है, 1.56, अंदर वाला 1.1 मीटर बन गया, बाहर वाला 1.56 मीटर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अंदर वाले को मैंने ना दे दिया D1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.1 मीटर, आउटर दे दिया मैंने ना D2, या आउटर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक D2, लेंथ है 1.56 मीटर, ठीक है। तो अभी इसकी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले D1, अब मेरा D1 यहाँ पे कितना हो गया, 1.1। अब इसको भूल जाओ, अब इसको देखो, 1.1 मीटर, 1.1 मीटर, ठीक है। D2 कितना मेरा, D2 है मेरा 1.56 मीटर, ठीक है, D2 मेरा 1.56 मीटर हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई है। अभी आपको क्या करना है, अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या है, π/4, ठीक है, D1² माइनस D2² इंटू हाइट। देखिए, π/4 मैंने लिख लिया, D1² यानी कि D1 का स्क्वायर 1.1 मीटर, 1.1 का स्क्वायर हो गया, माइनस D2² यानी कि 1.56 का स्क्वायर, 1.56 का स्क्वायर ब्रैकेट वन इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए, मैंने D1 माइनस D2 क्यों किया, अब यहाँ पे देखिए,
ये मेरा जो मैन होल ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है, ठीक है। D2 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, D1 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं ये पूरे D2 में ये वाला D1 माइनस कर दूंगा, यानी कि ये गोल को मैं इससे बाहर निकाल के फेंक दूंगा, तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा? ये वाला, ये बचेगा ना, ये वाला जहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ। बस यही चीज़ तो हमने पता करनी है, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई 1 1 का स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ साथ के साथ, 1.1 × 1.1 ये आ गया 1.21, 1.21 माइनस 1.56 मल्टीप्लाई 1.56, 2.433, 2.433, ठीक है। एच कितनी है? एच भी यहीं लिख लो, ये देखिए 2.1, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2.433 माइनस 1.21, 1.223 आ गया, 1.223 मल्टीप्लाई 2.1, ये मल्टीप्लाई हो रहा 2.1, ठीक है, बाय 4। अब इसको फिर कैलकुलेशन करो, 3.14 इंटू 1.223 इंटू 2.1, 8.064, ठीक है, डिवाइड बाय 4, 2.016। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा 2.16 MQ निकला है। ये मेरा क्या निकला है? ये जो मेरा रेड वाला एरिया, ये वाला, ये रेड वाले एरिया का वॉल्यूम निकला है, ये वाले एरिया का, समझ रहे हो ना, ये वाले का एरिया का, अंदर की बात नहीं कर रहा, ये रेड वाले एरिया का, इसका वॉल्यूम निकला है ये 2.016। अब देखिए, एक ये मेरा वॉल्यूम निकला है 2.016, पर MQ में 500 नंबर ईंट लगती है, तो अब मल्टीप्लाई इसको 500 कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 500, यानी कि 1008, ब्रिक्स लगेगी आपकी इसमें, ठीक है, यानी कि 1010, पूरे मैन होल में 1010 ब्रिक्स इसमें लगेगी, ठीक है। ये तो ये तरीका हो गया, ये वाले फार्मूले के हिसाब से। अगर आपको और सिंपल तरीके से निकालना है, पहले ये एवरेज तो निकाल लेना, जैसे मैंने एवरेज आपको निकाल के बताया था ना, यहाँ पे एवरेज निकाल के ये कर लेना, फिर एक फार्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये बाहर वाले का निकालना पड़ेगा, फिर आपको अंदर वाले का निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब बाहर की क्वांटिटी निकल गई, अंदर वाले का वॉल्यूम निकल गया, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है। ये 2.016 दोनों सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।